अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी अनुज भाई फरमाए। शेख, एक मुसलमान अगर चाहे इस्लामी रियासत हो या फिर किसी भी मतलब गैर इस्लामी रियासत में हो, अगर उसने मर्डर या फिर जिना बिल जबर ऐसे बड़े बड़े जुर्म किए हो और उसको उसकी कंट्री के हिसाब से उसको सजा भी मिल गई, तो उसको आखिरत में पकड़ होगी अल्लाह के सामने या फिर वो उसका नहीं होगा सजा जी देना? जैसा वाजह है सवाल। जी शेख, भाई का सवाल जो मैं समझ सका हूँ कि किसी आदमी ने कोई जुर्म किया, जैसे मिसाल के तौर पर जिना किया, और फिर उस पर उसको सजा भी मिल गई, जो सजा होती है इस्लामी सजा, वो सजा भी जी मिल गई, तो क्या ऐसे आदमी को आखरत में भी उसकी सजा मिलेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जराइम के कफारात के सिलसिले में गुफ्तगू करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो जराइम हैं और जराइम की सजाएं जो हैं, हुदूद, ये जो हुदूद हैं ये कफारात हैं। कफारात मतलब उसकी जो सजा है या वो जो गुनाह है उसको खत्म करने वाली है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही उम्मीद है हमें इस हदीस की रोशनी में कि अगर किसी इंसान पर किसी जुर्म करने की हद कायम कर दी गई है, शरई हद, तो ये उसके लिए कफारा है। जी इनका दोनों तरह से सवाल था शेख। एक तो ये है कि एक आदमी को मतलब ये सजा दी गई, जैसे जीना की सजा होती है, और किसी ने जीना जी बिल जबर किया। अब जैसे हिंदुस्तान में कोई है, उसने जीना बिल जबर किया, अब उसको जी गवर्नमेंट इसका यानी यहाँ के कानून के हिसाब से जो चौदह सजा है साल वो मिल गई, तो चौदह क्या साल उसके, जेल होती है जी। हाँ 14 साल जेल हो देखिए, गई, तो क्या उसके गुनाह माफ होंगे? नहीं नहीं ये बिल्कुल देखिए। नहीं। देखिए, ये हमारी गुफ्तगू से ये मुराद नहीं है। हमारी मुराद ये है कि हमारी शरीयत ने गुनाहों के लिए जो हद मुकर्रर की है, अगर वो हद प्रॉपर तौर से कायम की जाती है तो वो हद कफारा है उस गुनाह के लिए। लेकिन अगर जी किसी आप ऐसी जगह पर हैं जहां हद कायम करने का कोई निजाम ही नहीं है, तो आपके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कीजिए। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कीजिए और अच्छी उम्मीद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से।